ये देसी बबूल है, इसको एकेसिया निलोटिका बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्री है। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं एडेबल होती है, जिसको कि बहुत सारे फोडर्स जो है वाइल्ड में रहने वाले सब लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, और जो हमारे चूरन बनाए जाते हैं, पंखी बनाए जाते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो बार्क होता है, छिलका होता है, उसमें टैनिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम बींग्स इसको सबसे ज़्यादा कटिंग किया गया है टैनरी डाइज के लिए, जो चमड़े की रंगाई किया जाता था। और इस पे इसका जो आप हेयर, हर प्लांट का एक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको लैटेक्स बोलते हैं, इसका जो गोंद होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिसमें 56% फास्फेट होता है, जो हम अपने हड्डी को मजबूत करने के लिए घरों में हमारी अम्मा लोग गोंद का हलवा और गोंद का लड्डू बनाते हैं। और इसके आप कांटों को देख सकते हैं कि इसमें बड़े लंबे कांटे होते हैं, तो ये जो कांटे हैं ये लंबे होते हैं और बहुत पॉइंटेड होते हैं। तो इस जितनी भी इस तरह के थॉर्नी स्क्रब्स होते हैं, बड़े कांटे वाले पेड़ होते हैं, तो इस एरिया में हमने लगभग 2,500 स्टेपल्स हमारे थॉर्नीस के, जो हमारा देसी बबुल के है। इसमें एक बर्ड आती है जिसको हम बुच्चर बर्ड बोलते हैं। बुच्चर बर्ड मीन्स ए स्ट्राइक, दिस बे बैक स्ट्राइक, लॉन्ग टेल स्ट्राइक एंड दिस वुड स्ट्राइक। उसका काम है कि कीड़े मकोड़ों को पकड़ना और कांटों में चुभो देना। जब ये कांटों में चुभो देती है और फिर उसको थोड़े देर के बाद जब वो इंसेक्ट मर जाता है, फिर उसको वो खाती है, इसीलिए उसको बुच्चर बर्ड भी बोलते हैं। तो इस तरह की हैबिटेट में अगर आप करते हैं तो बहुत सारे आपको स्ट्राइक बर्ड्स देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी डाइवर्सिटी है, तो इसमें बहुत सारे स्ट्राइक हमको देखने को मिलते हैं। थैंक यू।